हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने ये जाना था कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक इशू है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट इशू है। तो अगर हमारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा कि भाई ये कौन किस टाइप का लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या टेक्टिकल लेवल मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के इशूज़ को डील करता है, कौन इसको ड्राइव करेगा, तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे ड्राइव करेगा। और हमने ये भी जाना था कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अभी ऑटोमेट नहीं हो पाई हैं और उसमें एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन नहीं आया है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए इंफॉर्मेशन की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी है और इंफॉर्मेशन की वैल्यू नहीं बढ़ी है तो इसके कारण वहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट जो है एक पर्टिकुलर लेवल की कंपनी है, पर्टिकुलर लेवल मैच्योरिटी आ जाती है, पर्टिकुलर लेवल ऑटोमेशन आ जाता है, उन कंपनियों में इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। तो यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और वहाँ पर देखते हो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो आप वहाँ के आप ये कह सकते हो कि वो कंपनी अभी प्रिमिटिव कंपनी है, वो कंपनी अभी और उस लेवल तक ऑटोमेट नहीं हुई है। तो आप इस तरह का फीडबैक उन कंपनीज को दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई आपकी कंपनी अभी सफिशिएंट लेवल में ऑटोमेट नहीं हुई है, आपकी कंपनी उस लेवल तक पहुंची ही नहीं है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर लेवल के ऑटोमेशन तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और कंपनीज़ ऑटोमेट होती चली जा रही हैं, डेटा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, आईटी का रोल कंपनीज़ में बढ़ता चले जा रहा है, ऑटोमेशन का रोल कंपनीज़ में बढ़ता चले जा रहा है और इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट का रोल बढ़ जा रहा है। आज की डेट में जिस भी कंट्री में सर्विस सेक्टर एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा आता है, मतलब अगर मान लिया सपोज़ 50% 60% 70% सर्विस सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है, जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी 70% या 80% सर्विस सेक्टर 80% उनकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन कंट्रीज़ में जो आपके सर्विस सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वहाँ पर और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे डेटाबेस कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट होता है वहाँ पर हमें एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ये इंश्योर करना है कि स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इसकी यूटिलिटी के बारे में पता हो, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता हो। और स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट अगर इन सब चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा है तो हम उस पर अपनी ओपिनियन देंगे और बताएंगे कि स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट या तो कॉम्पिटेंट नहीं है या फिर जो टॉप मैनेजमेंट है उसके वहाँ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, सही तरीके से इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया है। अब हम ये जानते हैं, अब हम चलेंगे कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट क्या है। इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट हमने जाना था कि हम वनरेबिलिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ये वनरेबिलिटी और थ्रेट्स इन्फॉर्मेशन रिसोर्स पर होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, हम कई सेशंस में जान चुके हैं इन्फॉर्मेशन रिसोर्स जो है आपका डेटा से लेकर कंप्यूटिंग फैसिलिटी तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। और डेटा को कहाँ रखते हैं, हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में रखते हैं, सॉफ्टवेयर में उसकी प्रोसेसिंग होती है, हार्डवेयर में रखा जाता है, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स में रखा जाता है और डेटा रेस्ट में भी हो सकता है, ट्रांजिट में भी हो सकता है और डेटा के जो है एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में मूव कर रहा होगा, तो एक डेटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स में आ जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट इस पूरे सिंबायसिस को, इस पूरे एनवायरनमेंट को, इस पूरे तामझाम को एनालाइज करेगा और वो देखेगा क्या वनरेबिलिटीज़ हैं, थ्रेट्स क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ है, सबसे पहले वनरेबिलिटीज़ होती हैं, फिर थ्रेट्स होती हैं और फिर इम्पैक्ट होते हैं। और इसी इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट हो सकता है वही एक रिस्की इम्पैक्ट हो सकता है और उसी रिस्क को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वनरेबिलिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में पढ़ा था। वनरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, वनरेबिलिटीज़ वो कमियां होती हैं जिसे थ्रेट्स एक्सप्लॉइट करता है। तो सबसे पहले वनरेबिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आप किसी मकान में आग लग रही है, अब जब मकान में आग लग रही है तो अगर मकान सीमेंट का बना हुआ है
तो वहाँ वनरेबिलिटीज़ कम है। अगर स्टील का बन गया है, वैसे मकान स्टील का नहीं होता है, लेकिन सोचिए स्टील का बना हुआ है, तो वहाँ पर आग लग ही नहीं सकती, उस वो वनरेबल है ही नहीं, उसमें वनरेबिलिटीज़ आपने रिमूव कर दी, रिस्क रिमूव कर दिया आपने। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज लकड़ी का मकान है, तो वहाँ पर वनरेबिलिटीज़ हैं, तो सबसे पहले वनरेबिलिटीज़ होती है, वनरेबिलिटीज़ के बाद थ्रेट्स होती है। अगर सीक्वेंसिंग में देखेंगे तो सबसे पहले वनरेबिलिटीज़ होंगी। हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि सीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वनरेबिलिटीज़ होंगी, उसके बाद थ्रेट्स होंगे, और थ्रेट्स के बाद आपके जो हैं इम्पैक्ट होगा। तो वनरेबिलिटी या थ्रेट्स अगर आप रिमूव कर देंगे तो रिस्क कम कर देंगे, मतलब वनरेबिलिटी और थ्रेट्स को मिनिमाइज करना रिस्क मैनेजमेंट का एम है। तो यानी कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे इन वनरेबिलिटीज़ और थ्रेट्स को, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज में कौन से वनरेबिलिटी, क्या वनरेबिलिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद वो ये डिसाइड करेंगे भाई इन रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक कैसे रिड्यूस किया जाए, क्योंकि रिस्क को 100% एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है। ये हमने जान लिया था पिछले सेशन में, और ये भी जान लिया था कि 100% रिस्क रिडक्शन नहीं हो सकता है, एक्सेप्टेबल लेवल तक हमें ले जाना पड़ेगा, और क्या एक्सेप्टेबल लेवल है ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल लेवल होगा, और वो एक्सेप्टेबल लेवल क्या होगा उसको मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्न डिसीजन मेकिंग का की एस्पेक्ट है। और वो की एस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपका टॉप मैनेजमेंट है, तो उसकी अगर पॉलिसीज बन रही हैं तो रिस्क कुछ समझ के बनेंगी, सारा ऑर्गेनाइजेशन उस रिस्क के अनुसार काम करेगा, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार काम करेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्रीम में है, टॉप में है, बिल्कुल पॉलिसीज से भी ऊपर अगर देखा जाए तो रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट प्रस्पेक्टिव से आप चीज़ें सोचने की कोशिश करेंगे और उसी के बाद पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, यानी कि वो क्रीम एरिया है। और जब कोई आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप टॉप लेवल में डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं और इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। तो जो भी मैनेजमेंट है उसको एक रियलिस्टिक इन्फॉर्म्ड डिसीजन करना पड़ेगा, एक जस्टिफाइबल डिसीजन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जैसे जाना कि 5 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनरेशन चेंज हो जाती है, और चूंकि जनरेशन चेंज हो जाती है तो रिस्क भी चेंज हो जाते हैं, तो मैनेजमेंट को नॉलेजेबल होना चाहिए। और जनरली कंपनीज में आप जाओगे तो मैनेजमेंट उतना नॉलेजेबल नहीं होता है, उसे एक्सटर्नल बंदों को हायर करना पड़ता है, मैनेजमेंट के पास उतनी नॉलेज होती ही नहीं है। मैनेजमेंट में पुराने आदमी बैठे होते हैं, मैनेज वो दिखाते हैं कि वो नॉलेजेबल हैं, लेकिन जनरली वो नॉलेज नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहे होते हैं। अगर आप किसी अपनी कंपनी में किसी हेड ऑफ अकाउंट्स या हेड ऑफ आईटी या हेड ऑफ एडमिन इनको देखें, तो ये कम से कम कितने साल में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ये आप इनका इनको फाइंड आउट करें। आपको ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके स्किल्स कुछ ही समय बाद ऑब्सोलीट हो जाते हैं। जो आपके जितने डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या पर्टिकुलर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके स्किल्स एज फार एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न्ड, कुछ समय बाद उनके स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उनकी नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाती है, तो वो उन रिस्क को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप देखेंगे पुराने ढर्रे में काम चल रहा है, पर्टिकुलरली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। वो क्यों है, क्योंकि जो वहाँ पर अकाउंटेंट है वो कंफर्टेबल ही नहीं है, उसको नई चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब उसको नई चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की नई चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसे इंप्लीमेंट कैसे करवाएगा, वो पुराने ढर्रे में ही चलना चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में जाके कि भैया जो बंदे बैठे हुए हैं वो उनको नॉलेज है कि नहीं है। अगर नॉलेज उनको नहीं है तो रिस्क बहुत ज्यादा है। उनको आप अपनी रिपोर्ट में ये बता सकते हैं कि ट्रेनिंग डेफिशिएंट है, ये नॉलेजेबल नहीं है, और नॉलेजेबल नहीं है और ट्रेनिंग डेफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये है पूरी इफेक्टिव कैपेसिटी के साथ ये काम नहीं कर रहे हैं, और पूरी इफेक्टिव कैपेसिटी के कारण काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना केवल ये इनकॉम्पिटेंट है आप, क्योंकि इनकॉम्पिटेंस रेफरेंस पॉइंट है। आज की डेट में अगर आप हाईली कॉम्पिटेंट है, कल की डेट में आप हाईली इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मूव कर रही है। अगर आपने अपने आप को मूव नहीं किया तो आप हाईली इनकॉम्पिटेंट हैं। तो क्या किस लेवल की इनकॉम्पिटेंस आ गई है, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, सिंपल टाइम बीत गया और आपने स्किल अपग्रेड नहीं किया, तो आप कॉम्पिटेंट से इनकॉम्पिटेंट हो गए, एफिशिएंट से इनएफिशिएंट हो गए।
और अगर आप एफिशिएंट से इनएफिशिएंट हो गए हैं और कॉम्पिटेंट से इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो क्या आप रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या आप रेगुलर अपने डिपार्टमेंट्स को अपडेट कर रहे हैं? क्या आप रेगुलर ऑटोमेशन कर रहे हैं? ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, उनके पास नॉलेज कम है। तो ये और जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इशू होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इशू होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट स्किल्स अपग्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर द पीपल आर इनकॉम्पिटेंट, आपको उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको उनको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग नहीं हो रही है और इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर एक बार ट्रेनिंग हो गई, अगर ट्रेनिंग नहीं है तो आपने बता दिया कि ट्रेनिंग नहीं है और मैनेजमेंट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, मैनेजमेंट उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, मैनेजमेंट अलाइन उसके स्किल्स जो रीसेंट डिसीजन मेकिंग के लिए के बराबर अपडेटेड नहीं हुए। अगर उनके रिस्क अगर अपडेटेड हैं तो हम रिस्क मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूछेंगे भैया आपकी एपेटाइट क्या है रिस्क की, मतलब मैनेजमेंट से बोलेंगे कि भाई एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है। तो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क आप हमें बताएं, आपने इसको सेग्रीगेट किया है कि नहीं किया है। और उस एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क होगा डेटा रिस्क होगा और इक्विपमेंट रिस्क होगा। जो इक्विपमेंट है उसका रिस्क होगा और डेटा का भी रिस्क होगा। तो डेटा इक्विपमेंट का रिस्क आईटी का इक्विपमेंट हो सकता है, नॉन आईटी का इक्विपमेंट हो सकता है, वो आप एसेट रजिस्टर से देख सकते हैं कि आईटी इक्विपमेंट कहाँ पर है, नॉन आईटी इक्विपमेंट कहाँ पर है। उसके बाद आप ये पता कर सकते हैं डेटा किस तरह से रखा जा रहा है, और डेटा किस तरह से रखा जा रहा है इसके लिए आपको सारे डिपार्टमेंटल हेड्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनसे इंटरव्यू लेकर पता करना पड़ेगा कि क्या उनके पास क्या नॉलेज है, उनका डेटा कैसे रखा जा रहा है इसके बारे में उनके पास क्या नॉलेज है, उन्होंने क्या डायरेक्शन दिया है आईटी डिपार्टमेंट को, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट एक कस्टोडियन है। अगर उनके पास नॉलेज है तो उनके पास एक मैट्रिक्स बना होगा, मतलब डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है, मतलब डेटा किस सर्वर में रखा जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा, ये तो आईटी मैनेज करेगा, लेकिन किस बंदे को एक्सेस होगी, क्या होगा, कितना स्पेस चाहिए, ये सब चीज़ डिपार्टमेंटल हेड को पता होना चाहिए और उसके साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए। अगर उसे नहीं पता है तो उसे आईटी से बात करनी चाहिए और उसे अपने लिए पर्टिकुलर डेटा एलोकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का मैट्रिक्स उसके पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब जो स्टॉप मैनेजमेंट है उसे नॉलेज नहीं है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अगर उन्हें इस सब चीज़ की नॉलेज है तो फिर हम अगले स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप ये है कि उन सारे एसेट्स का को क्लासिफाई करेंगे। एक बार हमने एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम ये देखेंगे कौन सा एसेट क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल है, उसका ABC एनालिसिस करेंगे एसेट्स का, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट एसेट्स है, कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट एसेट है, कौन सा क्रिटिकल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सा नॉन क्रिटिकल है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है, आपके अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क हर एसेट के रिलेटेड हम ये देखेंगे कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है, अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है। अब एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क और अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो कितनी देर जा सकती है, अगर आग लग गई तो डेटा आपका एक पर्टिकुलर ब्रांच है उसमें कोई डेटा है ही नहीं, डेटा सारा का सारा सर्वर में चले जाता है, एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज सर्वर में चले जाता है, तो वहाँ पर डेटा रिलेटेड रिस्क कुछ नहीं है, डेटा रिलेटेड रिस्क बहुत कम है। अगर आग लगेगी तो वहाँ पर अगर मान लिया कंप्यूटर सिस्टम्स चल जाएंगे तो वहाँ पर डेटा फिर भी डेटा अवेलेबल होगा, अगर बैकअप्स रखे हुए हैं, अगर डेटा अपडेट हो रहा है, ऑनलाइन डेटा सेव हो रहा है, तो वहाँ पर डेटा रिलेटेड रिस्क नहीं होगा। अगर मान लिया सपोज कोई अनइम्पॉर्टेंट डेटा आपके कंप्यूटर्स में रखा हुआ भी है तो वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क में आ जाता है, उस डेटा को फिर से रिक्रिएट किया जा सकता है। तो वो मैनेजमेंट कहेगा भाई ये डेटा इसमें इतनी एनर्जी लगाना ठीक नहीं है, इसके लिए एक सेपरेट बैकअप क्रिएट करना जरूरी नहीं है और ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है। तो यानी कि मैनेजमेंट के नज़र में ये क्लैरिटी होनी चाहिए हर एसेट के करस्पॉन्डिंग कि कौन सा डेटा, कौन सा एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है और कौन सा अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है। तो एक बार आपने ये फाइंड आउट कर दिया क्या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है और क्या अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है,
तो फिर आप जो अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, जो आप अनएक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उस पर फिर काम करना चालू करेंगे। तो बेसिकली इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपेटाइट को क्वांटिफाई करता है, वो बताता है, क्लियरली बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्क एपेटाइट है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और कहेंगे भाई साहब हमें डॉक्यूमेंटेशन दिखा दीजिए कि आपकी एपेटाइट ऑफ रिस्क क्या है हर एसेट के अगेंस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन रिसोर्स के अगेंस्ट। आप अपनी एपेटाइट ऑफ रिस्क आपने कहीं डॉक्यूमेंट कर रखी है, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कहीं डॉक्यूमेंट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, और उसके अलावा आपने जो इम्पैक्ट होंगे रिस्क के वो आइडेंटिफाई कर रखें, एनालाइज कर रखें, इवैल्यूएट कर रखें, मॉनिटर कर रखें, कम्युनिकेट कर रखें कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सब जब आप रिस्क असेसमेंट करोगे तो आप ये देखोगे कि जो भी रिस्क हैं, मतलब इम्पैक्ट जो है उन रिस्क का, मतलब रिस्क तो फ्यूचर में होंगे, और रिस्क जब अगर आपने चीज़ें गड़बड़ हो गई तो वो इम्पैक्ट में आएगी, यानी वनरेबिलिटी हो गई, थ्रेट हो गया, थ्रेट ने वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया और फिर उसके बाद इम्पैक्ट हो गया, यानी कि अगर आग जली, आग आपकी फैक्ट्री में चली और आपका नुकसान हो गया, इम्पैक्ट हो गया, कुछ लाखों या कुछ सर्वर जल गए या कुछ आपका डेटा लॉस हो गया उसकी वजह से, जैसे हम इम्पैक्ट करते हैं, तो इम्पैक्ट का इम्पैक्ट आइडेंटिफाइड है कि नहीं, इम्पैक्ट को हमने एनालाइज किया है कि नहीं किया है, इम्पैक्ट को एवेल्युएट किया है कि नहीं किया है, हम मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमने ये किया हुआ है, इम्पैक्ट को हमने एनालाइज किया है, थ्रेट्स को एनालाइज किया है, वनरेबिलिटीज़ को एनालाइज किया है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसी के थ्रू हम रिस्क एपेटाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इम्पैक्ट हमें पता है तभी हम रिस्क एपेटाइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या नुकसान होगा, क्या ये छोटा नुकसान है, क्या ये बड़ा नुकसान है। अगर हमें ये पता चल गया कि भाई ये 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत बड़ी कंपनी है, 5 हज़ार का नुकसान एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, तो उसका इम्पैक्ट 5 हज़ार रुपये का है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर रिस्क है उसका इम्पैक्ट कंपनी की गुडविल का इम्पैक्ट है, या वो मैसिव डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है, या कंपनी की वर्किंग को पैरालाइज कर सकता है कुछ समय में, और जो कि जिससे कि मैसिव लॉसेस हो सकते हैं, तो फिर उसके अनुसार ही आप रिस्क एपेटाइट को डिफाइन करेंगे। आप रिस्क एक्सपोजर को आइडेंटिफाई करना जो है पहला स्टेप है, और एक बार आपने इम्पैक्ट डिटरमाइन कर लिया और फिर उसके बाद आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि ये क्या इम्पैक्ट होगा, और आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि भाई एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ़ रिस्क क्या है, अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ़ रिस्क क्या है, तो अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ़ रिस्क जो है उसको आप क्या करेंगे, उससे स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे, स्ट्रेटजीज क्या करेंगे, रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं जो कि सही नहीं है, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, मिटिगेशन ऑफ रिस्क करना चाहिए, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपने एपेटाइट है उस रिस्क की तो रिस्क एक्सेप्टेंस कर लेंगे आप। अगर रिस्क को अगर आपने एक्सेप्टेबल लेवल में नहीं है, अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे या ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, मतलब मिटिगेट, ट्रांसफ़र और एक्सेप्ट, इन तीनों में से एक चीज़ करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या उस पर्टिकुलर रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्टेबल लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे, अनएक्सेप्टेबल लेवल से एक्सेप्टेबल लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे और उसमें कंट्रोल्स लगाएंगे, या आप उस रिस्क को ट्रांसफ़र कर दोगे, इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ करोगे। रिस्क अवॉइडेंस सही नहीं होता है, मतलब रिस्क अवॉइडेंस भी कर सकते हो। रिस्क अवॉइडेंस क्या है? रिस्क अवॉइडेंस ये है कि भाई आपने कहा कि वायरसेस आ रहे हैं और ये कम्युनिकेशन से आ सकते हैं, इंटरनेट से आ सकते हैं, तो कई बार के जो अनइनफॉर्म्ड सीईओज होते हैं, कंपनी के जो चीफ होते हैं, वो कहते हैं कि जी इंटरनेट का कनेक्शन ही कम कर दो, मतलब कई कनेक्शन ही, या स्टैंड अलोन सिस्टम क्रिएट कर दो। कई जगह पर स्टैंड अलोन सिस्टम जरूरी भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अगर आप स्टैंड अलोन सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी है, जो आईटी को यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी है, उसको खो दे रहे हैं, और चूंकि वो आप आईटी को यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, तो आपका डिसीजन वाइज डिसीजन नहीं है। तो रिस्क अवॉइडेंस सही नहीं है,
मतलब आप स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हो, सबसे पहले हमने ये बोला कि आपने थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई की, और फिर उसके बाद ये देखा भाई क्या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, आपने एसेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने एसेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है डेटा एसेट आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर ये देखा कि वो कहाँ पर रखा है, उसको क्लासीफाई किया, एनालाइज किया, ABC एनालिसिस किया, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सेप्टेबल लेवल रिस्क है क्या अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, ये आपने देख लिया, ये आपने डिटरमाइन कर लिया। अब ये सारी चीज़ों की नॉलेज होने पर क्या है कि आप स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हो, कंट्रोल्स डेवलप कर रहे हो, रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। तो रिस्क को कंट्रोल आप क्या है, रिस्क को कंट्रोल अवॉइडेंस के थ्रू कर सकते हो, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, अवॉइडेंस लेकिन सही चीज़ नहीं है, उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। कई सिचुएशन में आपको रिस्क को ट्रांसफर करना पड़ेगा या रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आपकी एपेटाइट है रिस्क की तो रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर रिस्क एलिमिनेट करने की कई केसेस में आप कोशिश करोगे, लेकिन रिस्क एलिमिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज लगती है, 100% रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, एक रीजनेबल लेवल तक आप रिस्क को, एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क को रिड्यूस करोगे। तो एक चीज़ तो ये है, मैनेजमेंट को पता होना चाहिए रिस्क के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को भी पता होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि IAS ऑडिट का बेसिक प्रमाइसिस ही ये है कि रिस्क मैनेजमेंट का इंडिपेंडेंट अप्रेजल करना है। वो IAS ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को जाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो रिस्क मैनेजमेंट करना है, उसको ये नहीं, उसको रिस्क के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया है। एक बैंक है आज की डेट में, उस बैंक का डेटा सेंट्रलाइज डेटा भी इसमें होता है और उस बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, कल की डेट में वही डेटा एक पेन ड्राइव में आने के चांसेस हैं, मतलब जिस तरीके से स्टोरेज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, 1 TB की ड्राइव आ रही है, फिर 2 TB की आ जा रही है, फिर उसके बाद 6 TB की हार्ड ड्राइव रिलीज़ हो चुकी है, और के हमारी 64 GB की पेन ड्राइव है और बिगर पेन ड्राइव्स जो है स्टोरेज स्पेसेस मार्केट में आती चली जा रही है, तो डेटा एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड होते जा रहा है, और हाई क्वालिटी डेटा, हाई क्रिटिकल डेटा एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह पर आ जा रहा है, तो वहाँ पर वनरेबिलिटीज़ मैसिवली बढ़ती चली जा रही हैं, और वनरेबिलिटीज़ दो तरीके से हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी, दोनों तरीके से, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है डेटा जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए, अवेलेबिलिटी का मतलब यह है डेटा जिसको मिलना चाहिए उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। तो कई जगह अवेलेबिलिटी का ब्रीच हो जाता है और कई जगह कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो जाता है। तो जो बेसिक प्रमाइसिस है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का वो ये है कि आप एज अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एक कंपनी में जाओगे तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करोगे वो ये करोगे कि आप एक जो रिस्क मैनेजमेंट का अप्रेजल करोगे, यानी कि आप वहाँ पर देखोगे कि भाई कौन कौन से रिस्क है रही। सबसे पहले तो आप देखोगे टॉप मैनेजमेंट रिस्क के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, और फिर आप उसके बाद रिस्क, अगर वो जानता है तो फिर आप देखना स्टार्ट करोगे कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है, और बाकी सारी जो पहले मैंने प्रोसेसेस बोली हैं वो आप देखने की कोशिश करोगे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को भी रिस्क के नेचर्स के बारे में पता होना चाहिए, थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, वनरेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से उन रिस्क को मिटिगेट किया जाएगा, यानी कि अगर वो एक कंपनी में जाएगा तो उसे ये पता होना चाहिए किस टाइप की हार्ड ड्राइव यूज़ करनी है, कौन सा एंटीवायरस यूज़ होना है, किस तरीके से, किस तरह का सिस्टम है जो इफेक्टिवली कहाँ पर स्टैंड अलोन कंप्यूटर यूज़ होना चाहिए, क्या फिज़िकल जो आपके कंट्रोल्स हैं वो होने चाहिए, क्या एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए, क्या लॉजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए, उसके अलावा उसे ये पता होना चाहिए कि अगर आग का खतरा है तो किस तरह के स्प्रिंकलर्स लगे होने चाहिए, ड्राई स्प्रिंकलर्स लगे होने चाहिए, वेट स्प्रिंकलर्स लगे होने चाहिए, या अगर फायर एक्सटिंग्विशर लगाए तो गैस बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला स्प्रिंकलर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, या फिर हिलोन गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को पता होनी बहुत ज़रूरी है, और ऑडिटर अगर एक अच्छा ऑडिटर है तो वो क्या करेगा,
है, इन रिस्क को इवेलुएट कर लेगा। अगर वो इन रिस्क को इवेलुएट करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पता चल लगेगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क को फाइंड आउट करना, रेजिडुअल रिस्क जो है वो रिस्क रह जाता है, रेजिडुअल रिस्क के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो रेजिडुअल रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, अगर आप नॉर्मल ऑडिटर की जगह जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप रिस्क को उतने इंपॉर्टेंट तरीके से ना देखें, रिस्क मैनेजमेंट को ना देखें। लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने कहीं पर भी किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो आपका बेसिक प्रमाइसिस आपके ऑडिट का ही ये है कि सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना है। आपको ये देखना है कि आईटी के यूज से बिजनेस रिस्क क्या क्या पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आईटी बिजनेस को इनेबल कर रही है, कॉस्ट इफेक्टिव कर रही है, लेकिन रिस्क भी प्रोड्यूस कर जा रही है, मैसिव रिस्क प्रोड्यूस कर रही है। आईटी चीजों को ऑटोमेट कर रही है लेकिन मैसिव रिस्क प्रोड्यूस कर रही है। अब हमारी स्टडी ये कहती है कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट, जो अगला टॉपिक हमारी स्टडी ये बताती है कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि रिस्क को मैनेज करना किसी भी आईटी गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इनडेंजर हो जाते हैं रिस्क से। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आज की डेट में क्या है कि चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं, यानी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हटता जा रहा है। टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन इतना एक्सट्रीम होने जा रहा है, जो साइंटिस्ट कटिंग एज साइंटिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी को इस लेवल तक लाना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में टेक्टिकल लेवल और ऑपरेशनल लेवल ना के बराबर हो, क्योंकि ये रिपीटेटिव काम करते हैं। तो यानी कि ऐसी फैक्ट्रीज बन रही हैं जहां पर पूरे फ्लोर्स में रोबोट्स होंगे। कार जो है लॉजिस्टिक्स में, कार जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जो आईटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें क्या है कि टेक्टिकल लेवल और ऑपरेशनल लेवल में लोगों को जितना हटा सकें उतना आईटी का यूज़ कर सकें। आईटी का यूज़ करते हुए टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल को हम हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और चूंकि हम टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल में लोगों को हटाने में लगे हुए हैं तो बसता क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल बसता है। यानी कि फैक्ट्री में कुछ स्ट्रेटेजिक लोग होंगे जो सारा का सारा काम कर रहे होंगे, कंपनी में स्ट्रेटेजिक लोग होंगे जो कारा का कारा काम कर रहे होंगे और ह्यूज इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप के साथ हुआ। व्हाट्सएप 19 बिलियन डॉलर कंपनी थी, व्हाट्सएप में 50 लोग काम करते थे जब वो बिकी, जब वो फेसबुक को बिकी तो 19 बिलियन डॉलर कंपनी थी। हिंदुस्तान 1900 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जहां पर 125 करोड़ लोग काम करते हैं। एक तरफ 19 बिलियन डॉलर की कंपनी जहां पर 50 लोग काम करते हैं, यानी कि सारे के सारे लोग स्ट्रेटेजिक लेवल पर हैं। मोस्टली जो लोग हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर हैं, कंपनीज ऐसी हैं कि 90% लोग वहां पर स्ट्रेटेजिक लेवल पर हैं। एक एक बंदा जो है अरबों करोड़ों रुपये को कंट्रोल, अरबों और करोड़ों रुपये के डिसीजंस ले रहा है, और बाकी सारी नीचे चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, फेसबुक गूगल ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और ये धीरे धीरे चीज़ें ट्रेंड नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन सो एक्सट्रीम, इतना एक्सट्रीम क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल को हटाने की कोशिश की जा रही है जितना हट सके, क्योंकि कॉस्ट घटानी है, कॉस्ट घटाने के लिए उतना ऑटोमेट करना है, जितना ऑटोमेट करेंगे उतनी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आईटी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो सिस्टम्स हो जाते हैं वो ऑटोमेटेड हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर कोई सिस्टम फेलियर होता है तो कई सिस्टम फेलियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हैम्पर कर सकते हैं, बिजनेस को इंडेंजर कर सकते हैं। आईटी के फेलियर से बिजनेस फेलियर हो सकता है। अगर फेसबुक का डेटा सेंटर में डेटा चला गया तो कल की डेट में फेसबुक 100 बिलियन डॉलर कंपनी है, वो पूरी की पूरी कंपनी गायब हो जाएगी। तो जबकि हिंदुस्तान एक 1900 बिलियन डॉलर जीडीपी है, फेसबुक 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। तो यानी कि कुछ ही क्षणों में फेसबुक जैसी कंपनी इरेडिकेट हो सकती है। तो यहां पर आईटी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो यहाँ पर क्या है, हमें हमारी स्टडी ये बताती है कि जो आईटी रिलेटेड रिस्क हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बोर्ड लेवल इश्यूज़ आईटी गवर्नेंस में बढ़ते चले जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और इम्पैक्ट बहुत तगड़ा हो सकता है। अगर आईटी फेलियर का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा हो सकता है, अगर कोई ऑपरेशनल क्रैश हुआ या सिक्योरिटी ब्रीच हो गई या प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसका डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस फेल हो जाए, यानी कि बैंक में सेंट्रलाइज डेटाबेस अवेलेबल ना हो पाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी स्टडी कहती है, हमारी स्टडी कहती है कि रिस्क मैनेजमेंट कोई नया टॉपिक नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट एक पुराना टॉपिक है, लेकिन आज की डेट में एक तो वो परवेसिव हो गया, यानी कि जो कंपनीज़ में रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा लागू होने लगा है। जब पर्टिकुलरली लोअर लेवल मैनेजमेंट हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन उस एक्सट्रीम में ले जाने जा रहे हैं जहाँ टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल को हम तकरीबन रिड्यूस करने के चक्कर में केवल स्ट्रेटेजिक लेवल रह जाए, यानी कुछ लोग रह जाएँ, हाई पेड जॉब्स हों, लोअर पेड जॉब्स, लोअर स्किल्ड जॉब्स ऑटोमेट हो जाएँ। लेकिन अब ये है कि अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार तो ये आती है कि मैनेजमेंट को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। जो एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पर बैठे होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट बैठे होते हैं, वो कई बार क्या होता है, उनके पास इनडेप्थ नॉलेज नहीं होती है टेक्निकल इश्यूज़ की। तो कई बार तो क्या होता है, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती, और कई बार क्या होता है, उन्हें हाफ कुक्ड नॉलेज होती है, और उससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर उनके पास हाफ नॉलेज है तो उससे क्या होता है कि कई एरिया का मीडिया हाइप होता है, तो मीडिया हाइप से उनको नॉलेज है, पर्टिकुलर फेलियर्स की उनको नॉलेज है, तो क्या होता है कि कई केसेस में वो सिग्निफिकेंट रिस्क को नहीं देख पाते। कई सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं जो मीडिया हाइप नहीं कर रहा होता है। जैसे मगर अगर मान लीजिए सपोज एक बैंक के अंदर कोई फेलियर हुआ तो कई चीज़ें मीडिया को पता नहीं चल पाती हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं बाहर आ जाती हैं, तो मीडिया का एक हाइप बन जाता है छोटी छोटी चीज़ों में और मेन चीज़ों में उसमें हाइप नहीं बनता है। तो वहां पर क्या होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, रिस्क असेसमेंट की बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, फाइन ट्यूनिंग नहीं हो पाती है रिस्क असेसमेंट की। और क्या होता है कि जहां पर एसेंशियल चीज है, जहां पर कंट्रोल्स लगने चाहिए वहां पर कंट्रोल्स नहीं लग जाते हैं, और कहीं पर कंट्रोल्स कम लगने चाहिए वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल्स लग जाते हैं। तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, और ये टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, और इस टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ने से रिस्क की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। कई एरिया जो हैं वो ओवरहाइड हो जाते हैं और कई एरिया हम देखते ही नहीं है, टॉप मैनेजमेंट उसे देखता ही नहीं है। कई जगह पर जरूर से ज़्यादा एम्फेसिस हो जाता है और कई जगह पर एम्फेसिस ही नहीं होता है। तो अल्टीमेटली जो रिस्क टेकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैं इसको समराइज़ कर लेते हैं, इसको एक बार समराइज़ फिर से कर लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है ये हमें देखना है। टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नीचे के मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और टॉप मैनेजमेंट को आप देख लो, वहाँ के हेड ऑफ अकाउंट्स को देख लो, उनसे कम्युनिकेट कर लो, उनसे डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो और क्रॉस कर लो, सारे अगर आप सारे हेड ऑफ अकाउंट से डेटा के बारे में पता कर रहे हो, सारे एसेट्स के बारे में पता कर रहे हो कि इंफॉर्मेशन एसेट्स कैसे रखे गए हैं, आप ये पता कर रहे हो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है कि नहीं है, और जो डेटा एसेट है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे रखा गया है, उसके बारे में कहाँ कहाँ रखा गया है, उसके बारे में आईटी के पास पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब रिस्क है।